एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपको 3 से 4 साल के बच्चे के लिए अनारकली लहंगे की स्टिचिंग करना बताऊंगी। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं इसकी पूरी कटिंग। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में ही कटिंग कर ली है अनारकली लहंगे की। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी इसे हमें किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले जो हमने मेन फैब्रिक में कलियां कट करी है, 8 कलियां, इन्हें हम ज्वाइन करेंगे। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हमें इसे ज्वाइन करना है। इसके बाद फिर हम अस्तर में भी कलियां सेम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे अस्तर को अलग से ज्वाइन करूंगी और मेन फैब्रिक की जो कलियां हैं उन्हें अलग से ज्वाइन करूंगी। आप इन्हें साथ में रख के भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले मैं आपको इसे बता देती हूँ किस तरह से इसे ज्वाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कली को रखा हुआ है, देखिए। इसमें हमें दूसरी कली किस तरह से ज्वाइन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये राइट साइड है कपड़े की और ये रॉन्ग साइड है। तो कपड़े की राइट साइड के ऊपर से हमें दूसरी कली को रखना है, ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए हमने रख दी है और इस यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह से टर्न हो जाएगा और ये इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। सेम इसी तरह से हम तीसरी कली ज्वाइन करेंगे। इसे हमें इसके ऊपर रखना है, देखिए ये राइट साइड है, इसी के ऊपर इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और यहाँ साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से टर्न हो जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसमें पूरे में सिलाई लगानी है। और आपको एक तरीका और बताती हूँ मैं इसे हम किस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कली रख ली है, इसकी ये राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है। तो इसे मैं रॉन्ग साइड को टर्न कर लूँगी और एक पार्ट हम यहाँ पे अस्तर का ले लेंगे, ये देखिए इस तरह से, देखिए ये रॉन्ग साइड है कपड़े की और इसके ऊपर मैंने अस्तर रखा हुआ है। और इसको हमें चारों साइड से इसमें सिलाई लगा के इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है एक साथ। और इसी तरह से सारे पार्ट्स में हम अस्तर को ज्वाइन करके इसको अटैच कर देंगे और उसके बाद फिर सारी कलियों को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप कली को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अस्तर को अलग और मेन फैब्रिक को अलग से ज्वाइन कर रही हूँ। तो चलिए इसे ज्वाइन करते हैं। ये राइट साइड है कली की, इसके ऊपर हम अपना दूसरी कली रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। दोनों की राइट साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए एक के ऊपर एक रखते हुए मैंने यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक में सारी कलियाँ ज्वाइन कर ली हैं, देखिए। अब सेम इसी तरह से हम अस्तर में भी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे अस्तर वाली कलियाँ सारी ज्वाइन कर ली हैं एक साथ और सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक में भी ये भी सारी ज्वाइन कर ली है एक साथ ही, देखिए। अब हमें क्या करना है, इसके बॉटम पार्ट में इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से हम अस्तर के बॉटम पार्ट में भी इस तरह से, देखिए, डबल फोल्ड करके इसके भी पूरे बॉटम पार्ट में सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक के बॉटम पार्ट में भी डबल फोल्ड करके इसमें यहाँ पे सिलाई लगा दी है और सेम इसी तरह से हमने अस्तर के बॉटम पार्ट में भी यहाँ पे इसे भी डबल फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा दी है, देखिए, इसके भी पूरे पार्ट में। अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को इस तरह से रॉन्ग साइड को टर्न करके रख लेना है, ये देखिए इस तरह से, ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो मेन फैब्रिक के रॉन्ग साइड में हमें अस्तर को ज्वाइन करना है, इस तरह से फैलाते हुए हमें अस्तर को भी रख लेना है, ये देखिए, ये अस्तर की राइट साइड है और ये रॉन्ग साइड है, और ये मेन फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो दोनों की रॉन्ग साइड एक दूसरे की ओर फेस करते हुए इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए हमें रखना है, देखिए, बिल्कुल कमर वाले पार्ट से बिल्कुल मिलाते हुए रखना है। यहाँ कमर वाले एरिया में यहाँ पे हमें एक सिलाई लगा के अस्तर और मेन फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कमर में अस्तर और मेन फैब्रिक में सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लिया है। और अस्तर को इस तरह से ज्वाइन करने में हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, देखिए, ये हमारी लहंगे की रॉन्ग साइड है। तो इस तरह से रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ही ज्वाइन होगा। मैं अस्तर की जो रॉन्ग साइड है वो अंदर साइड आ जाएगी,
और इस तरह से अस्तर को आप तभी ज्वाइन कर सकते हैं जब आपका मेन फैब्रिक थोड़ा सा मोटा हो, इसमें बाहर से अस्तर ना दिखे। अगर आपका मेन फैब्रिक जो है वो जॉर्जेट हो या ऐसा फैब्रिक हो जिसमें अस्तर बाहर से दिखे, तो इस तरह से आप अस्तर को ज्वाइन ना करें। अस्तर को फिर आप रॉन्ग साइड को ऊपर साइड रखें और राइट साइड को अंदर की साइड रखें, उससे आपका जो मेन फैब्रिक है उसमें जो बाहर से अस्तर दिखेगा वो सही लगेगा। तो अगर आपका मेन फैब्रिक थोड़ा सा मोटा है तो आप इस तरह से अस्तर को ज्वाइन कर सकते हैं, इससे आपकी रॉन्ग साइड में बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे इसे एक फोल्ड करके रख लिया है। अब ये जो हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ हम ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे साइड से इसमें एक सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए चारों पार्ट्स को। तो मैंने यहाँ पे लहंगे को साइड से इसमें सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर दिया है। देखिए, अब हम इसकी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पीस कट कर लिया। इसकी विड्थ मैंने कितनी ली है वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस बेल्ट की जो मैंने यहाँ पे चौड़ाई ली है वो ली है 4 इंच, और इसकी लेंथ आपको अपने कमर के हिसाब से लेनी है। जितनी भी लहंगे में कमर आ रही है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। इस बेल्ट में 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा ले रहे हैं क्योंकि जब हम इसे साइड से इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो इसमें एक सिलाई लगाएंगे तो उसमें हमारा दोनों साइड से 1/2 इंच जाएगा। तो इसलिए हम जितनी भी हमारे लहंगे में कमर की गुलाई आ रही है उससे 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से स्टिच करना है। तो सबसे पहले हमें बेल्ट को इस तरह से एक फोल्ड कर लेना है। देखिए, ये हमने बिल्कुल बराबर करके एक फोल्ड कर दिया है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, तो वो किस तरह से वो मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, ऊपर से हमें लगभग 1.5 इंच तक एक सिलाई रखनी है। 1.5 इंच तक हमें ऊपर से एक सिलाई रखनी है और बीच में फिर 1 इंच छोड़ देना है। देखिए, यहाँ पे 1 इंच छोड़ देना है, उसके बाद नीचे को एक सिलाई और रख लेनी है। इतना पार्ट हमें छोड़ते हुए यहाँ से ऊपर को एक सिलाई लगानी है और यहाँ से नीचे को भी एक सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए, इसमें मैं पहले सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें एक सिलाई लगाई, उसके बाद इतना पार्ट छोड़ते हुए यहाँ से इधर को भी एक सिलाई लगा दी। देखिए, और बीच में हमने इतना पार्ट छोड़ा हुआ है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से बेल्ट को ओपन करना है और ये जो हमने सिलाई लगाई है इसमें जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है इसे भी इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए, करके यहाँ दोनों साइड से एक सिलाई रख लेनी है। तो चलिए, इसमें मैं सिलाई रख लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें चारों साइड से एक सिलाई लगा दी है और बीच में हमारा यहाँ पे ये होल है। देखिए, यहाँ से इसमें हम डोरी डालेंगे कमर में। तो अब हम इसकी बेल्ट को लगाएंगे। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, ये राइट साइड है बेल्ट की और ये रॉन्ग साइड है, और लहंगे की ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो लहंगे की रॉन्ग साइड से हमें बेल्ट को रखना है। तो किस तरह से रखना है, देखिए। तो देखिए, ये रॉन्ग साइड है और लास्ट में जो मैंने दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करा था इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से रखना है। और यहाँ पे ही हमें अपना ये जो जहाँ पे हमने ये डोरी डालने वाला पार्ट बनाया है इसे हमें यहाँ पे रखना है क्योंकि इसमें हम साइड से डोरी बांधेंगे तो ये हमारा साइड में आएगा। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे। देखिए, बेल्ट की ये राइट साइड है और लहंगे की ये रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड के ऊपर हमें बेल्ट की राइट साइड को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और पूरे में इसको हम लहंगे के अंदर इंसर्ट कर देंगे बेल्ट को। ये देखिए, इस तरह से। और अब हमें इसी तरह से पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है। देखिए, तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल्ट में सिलाई लगा के इसे ज्वाइन कर दिया है और अब हमें बेल्ट को इस तरह से राइट साइड को टर्न कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से बेल्ट को ज्वाइन करने पे हमारी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, और अब हमें इस तरह से बेल्ट को खोल लेना है और यहाँ पे जहाँ से हमें डोरी इंसर्ट करनी है इस वाले पार्ट को हमें साइड में रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अब हमें बेल्ट को एक फोल्ड करना है। इसे हम पूरा 1/2 इंच लगभग फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसे हम इसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। तो यहाँ पे 1/2 इंच लगभग फोल्ड करके एक फोल्ड हमने और कर लिया और अब इसी तरह से हमें पूरे को फोल्ड करके यहाँ साइड में भी इसमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इसमें ऊपर से भी एक सिलाई रख दी है और इसमें मैंने यहाँ साइड से डोरी भी इंसर्ट कर दी है और डोरी के यहाँ एंड में मैंने 2 छोटे छोटे से लटकन बनाए हैं
और इसी तरह के मैंने लटकन और भी बनाए हैं जिस पे मैंने वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लहंगा पूरा स्टिच कर दिया है और इसकी रॉन्ग साइड से भी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो ये देखिए यहाँ लहंगे की रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई है, कमर में भी हमारी बहुत अच्छी फिनिशिंग आई हुई है देखिए। तो इस तरह से स्टिच करने पे आपकी रॉन्ग साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है और राइट साइड से भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। इसे राइट साइड को टर्न कर लेती हूँ। तो ये लहंगा बनके बिल्कुल रेडी है। तो गाइस 3 से 4 साल की बच्ची के लिए अनारकली लहंगे की स्टिचिंग भी मैंने कंप्लीट कर दी है। इसकी कटिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और होप करती हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।